मित्रों आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। दोस्तों गुड़हल का पौधा बहुत ही श्रेष्ठ पौधा है और दोस्तों यह गर्म जलवायु का पौधा है, गर्मियों में ही ये फूल देता है मित्रों। तो अगर आपके पौधे पर इस तरह से फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं और इस तरह से कलियां नहीं बन रही हैं दोस्तों, तो आपके पौधे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि यह महीना दोस्तों मई का चल रहा है और मई का महीना जो है बहुत ही तपती हुई गर्मी का है, प्रचंड गर्मी होती है, इसमें दोस्तों 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फ्लावर्स लेने के लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे पर कुछ आवश्यक काम करने होते हैं तथा दोस्तों कुछ इसमें ऐसे फर्टिलाइजर देने होंगे होम मेड, ताकि यह पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करे इस गर्मी में भी और फ्लावरिंग आपको दे। तो आइए दोस्तों हम कौन कौन सा काम करेंगे और कौन सी होम मेड लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे ताकि यह पौधा जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग दे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आदि गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यह गुड़हल का पौधा जो है बड़ा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, इसके हम कुछ अभी फिलहाल केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों इस यह पौधा चूंकि हमारे इष्ट को जो है इसका फूल जो है चढ़ाया जाता है और दोस्तों देवी माँ को भी चढ़ाया जाता है, तो हम इसमें किसी प्रकार की रासायनिक या दोस्तों जैसे बोन मील या अंडे का छिलका है ये सब चीजें हम इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों, हम होम मेड लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में जान लेते हैं। पहली केयर टिप्स इसकी यह है कि यह चूंकि दोस्तों गर्मी का पौधा है इसलिए इसे जो है सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चूंकि दोस्तों इस समय बहुत तेज हो रहा है इसलिए आपको सुबह सुबह के 2-2.5 घंटे की धूप ही इसको दिखाना है तथा शाम को दोस्तों आपको 1 घंटे के आसपास की ही धूप दिखाना है। अगर आप इसको दिन की धूप में रख देंगे तो यह बर्न हो जाएगा, इसके फूल भी बर्न हो जाएंगे, इसकी पत्तियां भी बर्न होने लगेंगी, तो दोस्तों इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसे बीच के समय में सेमी शेड एरिया में रखिए। दूसरा दोस्तों आप इस पौधे की जो पत्तियां सूख गई हैं, जैसे इस तरीके से पीली पड़ गई हैं, ये सूख गई हैं, देखिए ये पत्ती है ये सूख गई, आप इसको निकाल दीजिए। और दोस्तों इसमें जो डंठल इत्यादि हैं जो फ्लावर्स हैं ये इस तरीके से सूखे हुए, आप इसको यहाँ से ऐसे काट करके निकाल दीजिए। ये काम आपको करना डेली है, डेली काम करते रहिएगा। और दोस्तों तीसरा दोस्तों काम ये है कि जैसे ये नीचे की सकर्स हैं ये जो है इस पे लोड बनाए हुए हैं, आप इसको भी इस तरीके से काट दीजिए। ये सकर्स जो है इस पे कोई फायदा नहीं है, इसको आप काट करके नीचे की जड़ जो है वो साफ कर दीजिए, एकदम साफ रखिए और इसमें हवा और धूप दोनों जाए ऐसा कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से 3 केयर टिप्स हो गई। ये 3 केयर टिप्स के बाद दोस्तों फिर आप इसकी जो है निराई गुड़ाई करें, इस तरीके से हफ्ते में एक बार इसकी इस तरीके से निराई गुड़ाई कर देंगे जब, तो इसकी मिट्टी जो है ये ढीली हो जाएगी और पोरस भी होगी दोस्तों, और इसमें हवा भी जाएगी और दोस्तों इसमें सूर्य की रोशनी भी जाएगी, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वह इसके अंदर अगर कोई फंगस इत्यादि है तो उसको भी खत्म कर देगी और कीड़ा मकोड़ा है वो भी मर जाएगा। इस पौधे में गर्मियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है दोस्तों मिली बग का अटैक। इस पे मिली बग का जब अटैक होता है तो लगभग पौधे को समाप्त ही कर देता है, इसलिए दोस्तों इसका आप विशेष ध्यान दीजिए और इसे बार बार चेक करते रहिए। इसकी कलियों पर अवश्य लगता है, जैसे देखिए ये है दोस्तों, ये हमारी कली पर देखिए मिली बग लगा हुआ, इस तरीके से अगर लगेगा तो इसको ये डेवलप नहीं होने देगा ना तो ये फूल में कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है नीम ऑयल इसमें डाल लीजिए, इसमें जो है बेकिंग पाउडर डाल लीजिए तथा दोस्तों इसमें जो है हैंड वॉश का थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल लीजिए, और इसके बाद हमने इसमें डाल रखा और इस तरीके से जब आप इसको मारेंगे तो ये हट जाएगा और ये मर भी जाएगा, इसमें ऐसी चीजें मिली हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों जरूर यह काम अवश्य करिएगा, तब आपके पौधे पर मई के महीने में भी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। अब दोस्तों इस पौधे को हमें कौन सा भोजन देना है उसकी बात करते हैं। भोजन के लिए दोस्तों इसको इस समय जो है पोटेशियम से युक्त भोजन देना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें फूल लेना है और कलियां लेना है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम युक्त जो है खाद इसको देंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमने देखिए ये केले के छिलके का पाउडर बना रखा है, देखिए घर पे ही आपको बिना पैसे का ही मिल जाएगा, केले का छिलका मिलेगा ही, उसको सुखा लीजिए और उस फिर मिक्सी में पीस करके इस तरीके से पाउडर बना लीजिए, और इसको फिर दोस्तों इस पौधे में जहाँ निराई गुड़ाई हमने कर रखा है इसको इस तरीके से थोड़ा सा हटा दीजिए, और हटाने के बाद दोस्तों इसमें जो है 2-3 चम्मच जो है आप पूरा इसमें डाल दीजिए इस तरीके से, और डालने के बाद जो है फिर दोस्तों इसको इस मिट्टी से ही ढक दीजिए इसको इस तरीके से,
अब जो है दोस्तों इसमें हमने पोटेशियम रिच खाद जो है वो डाल दिया है और ये दोस्तों अब कलियां बनाना चालू करेगा। अब दोस्तों हम इसकी ग्रोथ के लिए और इसकी मिट्टी एल्कलाइन अगर हो गई है तो उसको एसिडिक बनाने के लिए हम एक और खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं दोस्तों, वह भी होममेड है, तो आइए उसे बना लेते हैं। मित्रों ये चाय की पत्ती आपके घर में तो श्योर मिलेगी, इसको फ्रेश लेना है, लगभग 2 चम्मच के आसपास आप इसे ले लेंगे और इसको लेने के बाद एक आधा लीटर आप पानी लेंगे, इस तरीके से किसी गिलास में ले सकते हैं आधा लीटर की, या फिर इस तरीके से जो डब्बा है उसको ले सकते हैं। इसमें आप 2 चम्मच इसको फुल चम्मच इस तरीके से मिला देंगे, ये 2 चम्मच मिलाने के बाद इसको इस तरीके से घोल करके इसको 2 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। तो आइए दोस्तों 2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों हमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया हुए 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के बाद देखिए इसने अपना सारा कलर चाय की पत्ती ने इस पानी के अंदर डाइल्यूट कर दिया है, निकाल दिया है, इसमें डाल दिया है। दोस्तों इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा दोस्तों यह मिट्टी को एल्कलाइन होने से रोकती है, एसिडिक बनाती है। तो दोस्तों इसको भी हम इसके इस तरीके से डाल देंगे। अब यह नाइट्रोजन की वजह से पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा और मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। दोस्तों ऐसा होता है कि गर्मी होने की वजह से लोग इसमें पानी देते चले जाते हैं, पानी देते चले जाते हैं। दोस्तों आपको पानी का भी विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पानी ना हो जाए, बहुत ज्यादा पानी हो जाने से भी पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, तो आपको पानी ओवर वाटरिंग जिससे बिल्कुल ही बचना है, ओवर वाटरिंग करना नहीं। तो मित्रों जो जो मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है, ये प्रोसेस आप अपने पौधे पर यदि करते हैं तो आपके पौधे पर भी इस तरीके से फूल आएंगे, इस तरीके से कलियां आएंगी, ढेर सारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इन छोटे छोटे गमलों में भी आपको अत्यधिक मात्रा में फूल तोड़ने को मिलेंगे। तो मित्रों यदि यह वीडियो और मेरी द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।